हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रेगनेंसी सीरीज की जो जर्नी मैंने शुरू की है अभी, उसके अंदर मैं आज एक नया वीडियो और लेके आई हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो सबसे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है रश्मि सिसोदिया और मेरे घर अभी आई है छोटी सी परी, जो कि 6 महीने कंप्लीट हो चुकी है। एंड मुझे लगा कि मुझे जो प्रेगनेंसी फेज में प्रॉब्लम्स आए थे, जो मिथ्स मैंने सुने थे, जिनका सामना मैंने किया, मैंने डॉक्टर से जो सलाह ली, डॉक्टर से जो सुझाव लिए, जो डिस्कस किया, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपनी इस प्रेगनेंसी सीरीज के अंदर बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक बार प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए तो उसके बाद हमें किस तरीके से ध्यान रखना होता है, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या एक्टिविटीज करनी है, क्या नहीं करनी, सब चीजों के बारे में हमें लोग आसपास के सुझाव देते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या आप फ्यूचर में प्लान करने वाले हैं, उससे पहले भी आपको बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ती है, और इस चीज के बारे में आपको आपके घर में कोई नहीं बताता है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी ही। जब भी हम प्रेगनेंसी प्लान करने का सोचते हैं तो उससे पहले भी हमें बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं, जो कि आपकी एक हेल्दी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ये चीज बहुत जरूरी है। इसमें मेल फीमेल यानी मम्मी और पापा दोनों को अपनी अपनी तैयारी करनी पड़ती है प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। तो आज का जो वीडियो है ये मैं स्पेशली मम्मा के लिए लेके आई हूँ कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले मम्मा को क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो डैडी के लिए होगा कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले डैडी को भी बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ती है। जब आप ये प्रिपरेशंस कर लेते हैं उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी जर्नी जो है बहुत स्मूथ चलती है, साथ ही साथ पोस्ट प्रेगनेंसी जर्नी भी बहुत स्मूथ चलती है। सो सबसे पहले चीज आती है आपकी हेल्थ। मम्मा की हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अंदर आपका हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, न्यूट्रिशन, सब चीजें बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, तभी तो आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी आगे ले पाएंगे। प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले आप अपना एक अच्छा रूटीन बना लीजिए, आप उसके अंदर न्यूट्रिशन वाली चीजें इंक्लूड कीजिए, साथ ही साथ अपना हेल्थ चेकअप जरूर करवा लें। हेल्थ चेकअप के अंदर आपका हीमोग्लोबिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, ये जितने भी चीजें होती हैं ये आपके बॉडी में पूरी होनी चाहिए एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। तो आपको सबसे पहले अपना बॉडी चेकअप करवाना है, उसके बाद अपनी गायनी है, अपना डॉक्टर है, जो भी डॉक्टर है आपका, उससे आपको दिखानी है, उसे सलाह लेनी है। अगर सब कुछ अच्छा आता है वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको लगता है कि उसमें कोई भी चीज सही नहीं आई है तो उसको आपको आगे सही करनी है। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपना हेल्थ चेकअप जरूर करवाइए, जो कमी है उसको दूर कीजिए, ताकि आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी आगे ले पाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो। एक मम्मा की जर्नी बिल्कुल अलग होती है। जैसी लाइफ बेबी होने से पहले आपकी होगी, बेबी होने के बाद आपकी लाइफ ऐसे से ऐसे हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी, हो सकता है आपको अपने लिए समय भी ना मिले, आपको पूरा समय अपने बेबी को देना पड़े। सो यहां से आपको पहले मेंटली प्रिपेयर होना होता है कि क्या आप इस चीज के लिए तैयार है, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, कंसीव कर लेती हैं, आपके पास स्टेप बैक का ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए आप सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और ये अच्छे से समझ लें, कोई करे या ना करे, आपको अपने बेबी का ध्यान खुद ही रखना है, किसी पे जिम्मेदारी नहीं डालनी है, किसी का कोई काम नहीं लेना है। जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो कि आपकी बेबी का ध्यान आप अच्छे से रख लोगे, आप तैयार हो अपनी लाइफ को बदलने के लिए, तो आपकी प्रेगनेंसी फेज भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ जब बेबी आपकी लाइफ में आ जाता है तो जो पोस्टमार्टम वाली चीजें होती हैं वो भी बहुत रिड्यूस हो जाती हैं। इसीलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि आपकी दुनिया बदलने वाली है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज है वो है फाइनेंशियली स्ट्रांग होना। जब आपके घर में एक नन्ना मेहमान आता है तो उसके आने की दस्तक से लेकर उसके आने के बाद तक बहुत सारे खर्चे होते हैं। प्रेगनेंसी फेज में आपकी दवाइयां चलती हैं, आपके इंजेक्शंस लगते हैं, काफी सारी मेडिसिन आपको लेनी पड़ती है। उसके बाद जब बेबी आता है, नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, उसके अंदर भी आपका पैसा लगता है। बेबी आने के बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसका वैक्सीनेशन, उसके डायपर्स, उसकी बहुत सारी चीजें, खिलौने, कपड़े, बहुत सारा कॉस्ट बढ़ जाता है। तो आपको सबसे पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, कहीं ऐसा ना हो कि जब बेबी आ जाए उसके बाद आपको लगे अरे यार ये खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो बेबी आने के बाद आपके खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले ये तय कर लें कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं, वेल प्रिपेयर्ड हो जाएं, उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी प्लान करें।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फिजिकली फिट होना। मम्मा को फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आज की हम लोगों का खान पान है उसकी वजह से पीसीओडी हो जाता है, कुछ लोगों को मोटापा होता है, ओबेसिटी होती है। सो इस तरीके की फीमेल को जो प्रॉब्लम रहती है वो अगर है तो उसका सबसे पहले आपको क्योर करना होगा, उसको सबसे पहले आपको इलाज लेना होगा अपने डॉक्टर से। जब वो बिल्कुल सही हो जाए तब आप गायनी से सलाह ले सकते हैं कि क्या अब हम प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, हम तैयारी कर सकते हैं, हम कंसीव कर सकते हैं। डॉक्टर से अच्छी सलाह लेने के बाद ही आपको कंसीव करना है। सबसे पहले आपको फिजिकली फिट होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, उसके बाद आप कंसीव करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर हम फिजिकली फिट नहीं होते हैं तो हमारे बेबी को भी चांस होता है बहुत सारी चीज़ों से खतरा होने का। तो सबसे पहले ये श्योर कर लें कि आप फिजिकली फिट हैं, उसके बाद ही आप कंसीव करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपकी डाइट। आपको हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी तक हेल्दी नहीं खा रहे थे तो आपको प्रोटीन रिच, कैल्शियम रिच डाइट लेनी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपके अंदर अल्कोहल लेने की, सिगरेट लेने की, ऐसी चीजें जो आपके बैड हैबिट हैं तो वो आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उससे सीधा सीधा असर आपके बेबी पर पड़ता है, क्योंकि वो आपसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए आपको डाइट अच्छी लेनी है, इसीलिए आपको अपनी सारी बुरी आदतें छोड़नी है, और आपके बेबी के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए, एक हेल्दी बेबी चाहिए, तो उसके लिए अच्छी डाइट आपको लेनी पड़ेगी और जो बुरी चीजें हैं वो आपको छोड़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट जो चीज है एक्सरसाइज। अगर आप पहले से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो भी आप उसे कंटिन्यू रख सकते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए करनी ही पड़ेगी। आप हैवी एक्सरसाइज ना करके योगा कर सकते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको कंसीव करने से पहले आपकी जो बॉडी है वो प्रिपेयर हो जाएगी कंसीव करने के लिए, एंड हेल्दी प्रेगनेंसी, हेल्दी बेबी का जो फॉर्मूला है वो भी यहाँ फिट बैठेगा। इसलिए अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसे आप कंटिन्यू रखिए, और नहीं करते हैं तो आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले उसे कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, अगर आपकी ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, आप में वजन ज्यादा है, वो भी कंट्रोल हो जाएगा। और भी जो चीजें हैं जो आपको लगता है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम ला सकती है, लाइक पीसीओडी है, वो भी एक्सरसाइज से सही हो जाती है। सो वो चीजें आप कम करने के लिए ये सारी चीजें अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी पड़ेगी, जिससे हेल्दी प्रेगनेंसी आप कंसीव कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई डाउट्स हैं, आपको कोई मिथ को लेकर कुछ पूछना है, प्रेगनेंसी को लेकर कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और पर्सनल अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं इंस्टाग्राम की लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं हर डीएम का रिप्लाई करती हूँ, हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, तो आप बेझिझक होकर कमेंट यहाँ कर सकते हैं, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना मत भूलना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। बाय।